तो ये देखें, एक कस्टमर ने F1 की कंप्लेन की थी, तो उनके घर हम गए तो ये AC पहले से खुला पड़ा हुआ था। तो जब हमने इस पर मज़ीद काम किया तो इसका एरर चेक करने के लिए, तो आपको हम दिखाते हैं अभी आगे, देखें इसका आउटडोर है और ये आउटडोर देखें, आउटडोर को हमने चेक किया, तो उसको चेक करने के बाद फिर हमने इस पर मज़ीद काम किया, तो देखें ये रहा, देखें ऑन, ये देखें 16 हमने इसको ऑन कर लिया फिर, तो ये 16 इस पर वो दिखा रहा था टेम्परेचर, लेकिन फिर जाहिर बात है हमें मालूम करना था कि F1 कब आएगा, तो उसके लिए 2-3 मिनट लगते हैं, तो हमने चेक किया फिर देखें, ये देखें दोस्तों F1 अब एरर आ चुका है 3 मिनट इंतज़ार करने के बाद, तो बाकी हम आपको वर्कशॉप में दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं जी वर्कशॉप में, तो पूरा हमने सेटअप यहाँ पे सेट कर दिया है, ये इंडोर सर्किट, ये आउटडोर सर्किट, इन सब को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या F1 एरर दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमने ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो हम उसको फिर देखेंगे। ये जी अब F1 डिस्प्ले पे आ चुका है, तो आप देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये आउटडोर सर्किट में फॉल्ट है। तो आए हम बताते हैं आपको कि इसके आउटडोर में F1 का मतलब क्या होता है और आउटडोर में क्या चीज़ ख़राब है जी। अब ये देखें F1 एरर डिस्प्ले पे आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपका आउटडोर सर्किट ख़राब है। तो इसमें क्या फॉल्ट है, ये IPM का फॉल्ट है। तो IPM का मतलब ये है इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल। तो आए हम आपको बताते हैं कि इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल होता क्या है और दिखता कैसा है। ये देखें जी, ये आपको जैसे कि ये IC नज़र आ रहा है, इसको इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल कहा जाता है। तो ये जो है कंप्रेसर को ड्राइव करता है, और ये जो सारा एरिया है ये कंप्रेसर ड्राइव एरिया कहलाता है। तो जब इसमें फॉल्ट होगा तो आपका जो डिस्प्ले पे एरर आएगा वो F1 होगा, और इसके अलावा सिर्फ IPM ही ख़राब नहीं हो सकता इस एरिया में, और भी कोई कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हो सकता है आपका IPM ठीक हो लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में शॉर्ट सर्किट आ गया, या उसके सेंटर में जो कंपोनेंट्स IPM के साथ कनेक्टेड हैं तो वो कहीं से शॉर्ट हो गए हैं, तो भी ये F1 एरर दिखाएगा।